नमस्कार आदाब सत श्री अकाल जय माता दी की हाल चाल है सारा दा आई होप एवरीबॉडी इज फाइन हेलो गाइस तो अभी हम पापा कहाँ पहुंचे अभी हम अभी हम होशियारपुर क्रॉस किया होशियारपुर क्रॉस करा तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे सडनली होशियारपुर से शुरुआत कर चुके हैं तो जी हम जा रहे हैं अभी नवा शहर दुआबा जहाँ पर चोपड़ा जो कम्युनिटी है उनकी कुल देवी का स्थान है हमारी कुल देवी का स्थान है तो आज नौवें श्राद्ध है ना या नौवें श्राद्ध नौवें श्राद्ध के दिन आज वहां पर कुल देवी के स्थान पर पूजन होता है और चोपड़ों की मेल लगती है तो अभी हम वी हैव रीच्ड हाफ वे तो अभी हम जा रहे हैं सुबह 5 बजे निकले थे हम आधी नींद में इसलिए हमें सुबह सुबह शूट नहीं करा अभी हम पहुंचने वाले हैं तो अभी हमने थोड़ा सा ट्रिप बना लिया अब हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे वहां पे और आपको भी दर्शन करवाएंगे जय माता दी रास्ता देखो दुआबा नवा शहर जाने में थोड़ा सा रह गया बस पहुंचने वाले हैं थकी थकी शकी ट्रैफिक है गाड़ी चला भाई झूठ नहीं बोलता देखा ट्रक रुका था स्थान सती माता चोपड़ा परिवार के लिए माँ कुल देवी सती का मंदिर और आप देख रहे हैं ना केवल जम्मू से ना केवल पंजाब से इस भारत के इस इंडिया के विभिन्न कोनों से यहाँ पर हर परिवार आता है अपनी कुल देवी माँ सती के दर्शन करने आपको भी दर्शन करवाते हैं माँ सती के और माँ मतीनी के और आप तक भी पहुँचाते हैं हमारे इस वीडियो हमारे इस ब्लॉग के थ्रू माता की ब्लेसिंग्स जय माता दी। सती माता मंदिर के परिसर में हमारा चोपड़ा परिवार का एक अलग से यूनिट है जो हर तरह के दान केवल चोपड़ा परिवार से ही लिया जाता है उसे एकत्रित करते हैं और उसी को चोपड़ा परिवार के लिए जो हर एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है उसमें करतारनाथ जी भारत भूषण जी और सभी अन्य टीम मेंबर्स जो हमारे हैं वो यहाँ पर सब कुछ एकत्रित करते हैं सभी पर माँ की अपार ब्लेसिंग्स पहुँचाते हैं और हर एक दान को अच्छे से सही तरीके से यूटिलाइज किया जा सके कार्य में लगे रहते हैं तो चलिए अब करतारनाथ अंकल जी हमें दर्शन करवाने लेकर चल रहे हैं ये है माँ सती का स्थान तो ये हैं जी संजीव चोपड़ा जी जो यहाँ पर सारी देखरेख करते हैं और मैनेजमेंट को संभालते हैं तो चलिए अब माँ के दर्शन करते हैं दरबार की जय सती माता दरबार की जय दरबार की जय दरबार की जय माँ के प्यार की जय कन्नू चोपड़ा जी जम्मू के ब्लॉगर इतने आए ना दर्शन कर रहे हैं माँ मैया दर्शन कर रहे हैं
माँ के दर्शन करके जो सुबह से थकावट थी, बहुत सुबह उठे थे और पूरा ड्राइव करके जम्मू से यहाँ तक आए थे, वो सब थकावट खत्म हो गई। माँ के दर्शन पाते ही जैसे बच्चे को माँ की गोद में आते ही सुकून मिलता है ना, वैसे ही माँ सती, माँ मदीनी के दर्शन पाते ही सुकून प्राप्त होता है। मैं चाहूँगा और मैं ये आशा करता हूँ, मैं माँ से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जितने चोपड़ा परिवार के लोग जो अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं, देश विदेशों में बैठे हुए हर एक वो व्यक्ति जो चोपड़ा परिवार, चोपड़ा कुल का सदस्य है, उस तक हर तरह से माँ की अपार कृपा पहुँचे। और जो जो मेरी वीडियो को देख रहा हो वो अगले साल का प्लान तो पक्का ही बना ले, मैं आपको पूरा एड्रेस बताऊँगा, आपको ज़रूर आना है और माँ के भवन में हाजिरी लगानी है। जय माता दी। स्थान है माँ सती के बिल्कुल साथ माँ मदीनी का, जिन्होंने चोपड़ा वंश के आखिरी पुत्र को बचाया था। दोस्तों कहते हैं कि एक समय चोपड़ा वंश को खत्म करने के लिए आक्रमणकारियों ने चोपड़ा कुल पर आक्रमण किया था, और जब हमारा कुल का नाश हो रहा था, सभी जो चोपड़ा वंश के लोग थे वो मारे जा रहे थे, तब माँ मदीनी ने एक टोकरे के नीचे आखिरी हमारे चोपड़ा वंश के बच्चे को छुपा लिया था, और आज उसी माँ मदीनी ने हमारे उस वंश को आगे चलाया है। और माँ मदीनी की कृपा से मैं उस समय माँ मदीनी के माथा टेकने के लिए पहुँचा जब उनका भोग लग रहा था। जय माँ मदीनी, जय माँ सती। भीड़ इतनी होती है कि कहां कहां से हमें हमारे भाई, हमारा परिवार, इतना बड़ा, इतना विशाल परिवार, और कहां कहां, किस किस जगह तक पहुंचा हुआ परिवार मिलता है। ये अनिल भैया हैं, और भैया सभी अमृतसर से आए हैं, तरन तारण से आए हैं और हमें यहाँ पर मिले हैं। इतना अच्छा लगता है जब सभी मिलते हैं हमें यहाँ पर, और इतना प्यारा भैया से सुनने को मिला, समझने को मिला, और अमृतसर में जो इनकी बात से ही हमें वेलकम हो गया ना, वो अलग ही लेवल हो गया। तो यही होता है चोपड़ा मेल में आने का सबसे बड़ा फायदा, आपको अपने परिवार के इतने मेंबर्स मिलते हैं ना कि आपको लगता है कि आपका इतना परिवार बड़ा है, कहाँ नहीं है आपका परिवार। ये है जी लंगर हॉल, लोग बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट साइड्स पे लंगर के लिए इंतज़ाम किया है, और लंगर बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने जस्ट लेना स्टार्ट करा है, सो आई विल बी हैविंग मोर। बस अब लंगर इंजॉय करेंगे, माँ का आशीर्वाद लंगर के थ्रू भी हमें मिलता रहेगा, और हमें लंगर खा के बात करूं तो मजा आएगा ना। जय माता दी। दर्शन भी हो गए, लंगर भी हो गया, अब हम वापस बाहर को जा रहे हैं, थोड़ा भीड़ में से निकलते हैं, फिर आपके साथ ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। मम्मी रुको, नहीं मैंने सामान उठाया। तो जी मम्मी पापा के साथ हमने करे अपनी कुलदेवी माँ के दर्शन, आप सभी को भी हमने अपने ब्लॉग के थ्रू दर्शन करवाए, और आप सभी को हमने जो यहाँ का एड्रेस है वो कैप्शन में मिल रहा होगा नीचे, तो आप जितना चोपड़ा परिवार है हमारा, जिस भी जगह पर है, जिस भी स्थान पर है, इंडिया में है या आउट ऑफ इंडिया है, वो हर साल नौवें श्राद्ध को पंडोरा मोहल्ला द्वाबा नवा शहर में ज़रूर आएं और माँ के दर्शन करें और माँ का आशीर्वाद पाएं। आप सभी को माँ की ओर से मैं बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ, आप सभी पर माँ की अपार कृपा रहे, और ऐसे ही बने रहें अपने जम्मू ब्लॉगर कनु के साथ। तब तक जय माता, जय माता दी।